रहो, शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानते ही नहीं हो, चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे। तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते रहते हैं। बिहार के लिए अच्छी खबर है कि आनंद मोहन एक बार फिर जेल से रिहा होंगे। जी हाँ, ये संकेत कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरी सभा में पूरे मंच के सामने साफ कर दिया और ये कहते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए। एक दौर था जब जेल से मिलने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार आनंद मोहन से मिलने जेल में गए थे। जी कृष्णैया हत्याकांड के मामले में आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा में हैं और ऐसे में लगातार बीच बीच में बिहार की राजनीति में ये मांग उठती रही है कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। ऐसे में मौका था महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि का, जहां पटना में मिलर स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे, बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे और ये पूरा कार्यक्रम भव्य रूप ले चुका था। तभी बीच सभा से आनंद मोहन के चाहने वाले लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर दी। बीच में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को रोका और टोका अपने ही अंदाज में। किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया, ये हम आपको सुनाते हैं। तो समाज के सभी तबकों को करो, कुछ पता नहीं है जी, रहो, शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानते ही नहीं हो, आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, बोलो ना इसके लिए। हम जो भी इसके लिए, चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। इस सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी, हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते रहते हैं, शांत रहो। ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग मांग कर रहे हो, इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, अब काहे के लिए चिंता कर रहे हो, शांत रहो। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही अंदाज में लगातार जी शब्द का प्रयोग कर रहे थे और कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, आप उनकी पत्नी से पूछिए। यानी कि बात पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, आनंद मोहन किसी भी दिन जेल से रिहा होंगे। और ये जो लगातार मांग किया जा रहा था उनके परिवार की तरफ से, उनके क्षेत्र के लोगों की तरफ से, बिहार के कई ऐसे समाज है जिनकी तरफ से कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद या उनकी पहल के बाद शायद वो जल्द से जल्द जेल की सलाखों के बाहर आ जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहे 10 जी न्यूज़ के साथ।